सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी खास डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो अप्लाइड फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स और एक्सेलरेशन चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो हम इसको मैथमेटिकली ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ के तौर पर लिख सकते हैं। इसी तरह से मास के साथ एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर एम के तौर पर लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को इकट्ठा करें तो ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, और इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि के है। सो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो ए इज इक्वल टू के एफ ओवर एम के बराबर है। अब हम देखते हैं कि इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। अगर फोर्स 1 न्यूटन के बराबर है, इसमें जो मास है वो 1 किलोग्राम के बराबर है, और एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, तो उस सूरत में जो k की वैल्यू है वो भी 1 होगी। अगर हम k की वैल्यू को 1 कंसिडर करें तो यहां से हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली फोर्स को डिफाइन करता है, और मैथमेटिकली हम फोर्स को मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो एफ इज इक्वल टू एम ए है। फोर्स का ऐसा यूनिट भी हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है, तो फोर्स न्यूटन में तब मेजर होगी अगर मास को हम किलोग्राम में मेजर करें और एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करें। अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो एफ इज इक्वल टू एम ए से हम न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें मास को अगर हम किलोग्राम के तौर पर रिप्रेजेंट करें और ए को मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तौर पे, जो कि एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं वो सबसे पहले तो ये हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उस वक्त या तो वो अपनी मोशन स्टार्ट करता है, या वो स्लो डाउन हो जाता है, या वो कर्वी मूवमेंट करता है यानी अपनी डायरेक्शन में टर्न लेता है, या रुक जाता है। इन तमाम जो ऑब्जर्वेशंस हैं इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की मोशन में कोई चेंज आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि उस पर किसी फोर्स ने एक्ट किया है। अब अभी हमने बात की कि एक्सेलरेशन जो है वो अप्लाइड फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन और फोर्स का भी ताल्लुक देख सकते हैं, और उसके साथ जो ऑब्जेक्ट का मास है उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन के साथ उसकी क्या रिलेशन है। मैथमेटिकली हम एक्सेलरेशन को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से A इज इक्वल टू एफ ओवर एम के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम फोर्स को डबल कर देंगे तो ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो भी डबल हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसके मास को डबल करेंगे तो ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो हाफ हो जाएगी।